नाउ अब हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टू टेस्ट अवर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन रेज टू पावर 8 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा की वैल्यू ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पावर 8 है दिस हैज बीन ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ा गया है लोअर पावर में। तो लोअर पावर में जब तोड़ा गया है तो बेसिकली हमको ये पावर खत्म करनी है, छोटे करनी है। तो व्हाट शुड वी डू, इम्पॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी स्क्वेयर्ड में है। मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक्स, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर है। मतलब हर जगह स्क्वायर आ रहा है, तो हमें समहाउ स्क्वेयर्स लाने पड़ेंगे अगर उन आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट से हमने कहा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन रेस्ट पर 4 थीटा की पावर 2 माइनस कॉस रेस्ट की पावर 4 थीटा की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इन विच फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा इंटू साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा। अब पावर 4 भी नहीं है, हमें तो इससे भी छोटी चाहिए। तो एक चीज हमने और नोटिस करी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली यहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इफ यू लुक क्लोजली जो सेकेंड पार्ट है उसमें फिर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना पार्ट तो क्लियर होगा। और ये देखते ही हमें समझ में आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। ठीक है, दिस पार्ट इज टू डन। अब इधर आइए, अब यहां हमें दिख रहा है अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ए अज्यूम करें और कॉस स्क्वायर थीटा को बी अज्यूम करें तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्लास 8 में हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ डिसीजन ये लेना है कि हमको ये वाला फॉर्म यूज करना है कि ये यूज करना है। अब क्योंकि हमारे जो ए और बी हैं वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हैं तो कौन सा बेटर होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो व्हाट फॉर्म शुड बी यूज, हम इस चीज को क्या लिख देंगे, दिस इज ए एंड इसे बी मान रहे हैं, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करिए दिस इज अगेन 1, तो आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 है ही। चेक करिए दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो हमने लेफ्ट हैंड से सपोज स्टार्ट किया एंड यू हैव गॉट द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेट्स से वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sec square theta minus sec 4 theta minus 2 cos square theta plus cosec 4 theta is so and so. अब now in this case, check करिए left side पे sec और cosec है और right side पे cot और tan है। Straight away आपको hint मिल गई कि sec को खत्म करके हमें tan लाना है और cosec को खत्म करके cot लाना है। क्यों? क्योंकि हमारी identities है, 1 plus tan square theta की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर और sec स्क्वायर रिलेटेड है आपस में, और 1 plus cot स्क्वायर थीटा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि sec स्क्वायर को हम खत्म करके tan में ला सकते हैं और cosec को खत्म करके cot में ला सकते हैं। तो जहां जहां हमें cosec स्क्वायर दिखेगा वहां लिख देंगे 1 plus cot स्क्वायर, और जहां हमें sec स्क्वायर दिखेगा वहां 1 plus tan स्क्वायर, क्योंकि हमको राइट साइड पे cot और tan ही चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम कैसे स्टार्ट करें, ये दो टर्म्स में हमें sec स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, वी टेक दैट आउट, तो 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस, यहां हमें क्या दिख रहा है
कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया, व्हाट वी हैव टू डू इज sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, 2 माइनस sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर, और 2 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो ठीक है यार, देन यहाँ क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर, और सिमिलरली 2 माइनस 1 1 होगा माइनस cot स्क्वायर। बट इफ यू लुक क्लोजली ये तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan रेज टू पावर 4 थीटा माइनस a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर का स्क्वायर यानी cot 4 थीटा। नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स 1 माइनस tan 4 माइनस 1 प्लस cot 4 थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 गया, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, cot 4 थीटा माइनस tan, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। ये पार्ट क्लियर हो गया, और उसने कहा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan रेज टू पावर 8 थीटा अपॉन tan रेज टू पावर 4 थीटा। दिस इज वेरी इजी, अब चेक करिए जब आप tan ले आए हैं और cot ले आए हैं तो cot को तो हम बदल सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा था हम लोग ने, cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। तो ये क्या हो गया, इसको आप कैसे पढ़ोगे, cot थीटा की पावर 4 माइनस tan थीटा की पावर 4, तो cot थीटा को क्या लिख दिया, 1 अपॉन tan थीटा की पावर 4 माइनस tan थीटा की पावर 4। ये जस्ट शो कर रहे हैं, दिस इज अंडरस्टूड कि क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन tan 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan 4 थीटा इंटू tan 4 थीटा मतलब tan रेज टू पावर 8 थीटा अपॉन tan, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी हैव टू प्रूव sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर इज tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। स्ट्रेट अवे पहली चीज तो हमको यहाँ पावर्स 2 दिख रही है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। दूसरा हमें राइट साइड पे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर दिख रहा है, तो बेसिकली ना sin चाहिए ना cosec चाहिए ना cos चाहिए ना sec चाहिए, कहीं भी sec स्क्वायर आएगा तो उसे tan स्क्वायर में बदल देंगे, कहीं भी cosec स्क्वायर आएगा तो cot स्क्वायर में बदल देंगे, और होपफुली साइन और कॉस हमारा ना आए, आए तो वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो इफ यू लुक क्लोजली इफ यू कैन कंबाइन दीज टू, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आइडेंटिटी दिख गई, एंड कोसेक इंटू साइन, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा तो वन होता है, इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है, वन होता है। तो यहां से क्या मिला, टू इंटू वन, यहां से भी क्या मिला, टू इंटू वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन प्लस ये टू हो गया प्लस ये टू हो गया प्लस, अब कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमें नहीं चाहिए, व्हाट डू वी वांट, वी वांट कॉट स्क्वायर, तो हमें आइडेंटिटी पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। If you look closely, 2 plus 1, 3, 2, 5, 6 and 7 plus tan square theta plus cot square theta. This is equal to what? Your right hand side. ठीक है? Now we take the fourth question. We have to prove this. ठीक है? Prove that. ठीक है? So obviously the first thing that you can see is obvious. कि लेफ्ट साइड पे tan और sec है, राइट साइड पे sin और cos है, दैट मींस tan और sec हमें नहीं चाहिए। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, कि कन्वर्ट tan एंड sec इनटू sin एंड cos, तो हमें पता है tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा कैन बी रिटन एज
वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन. यू टेक दी एलसीएम क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा गोज, यू आर लेफ्ट विथ साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा. अब इन क्वेश्चंस में क्या है, इफ यू लुक क्लोजली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम थ्री टर्म्स हैं, साइन ऊपर नीचे, कॉस भी ऊपर नीचे, वन भी ऊपर नीचे. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज, जो ये फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म में, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. मतलब तीन टर्म से हम दो टर्म में कन्वर्ट करते हैं सच दैट वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो. तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज पुट प्रॉपर ब्रैकेट्स एट द राइट प्लेस. ऐसे इसको एडजस्ट करना है कि दो टर्म्स बन जाए और a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाए. ठीक है, इफ वी लुक क्लोजली न्यूमरेटर में साइन थीटा है, इफ वी पुट अ ब्रैकेट एंड राइट दिस एज 1 माइनस कॉस थीटा तो कोई चेंज नहीं. सिमिलरली नीचे साइन थीटा है एंड इफ वी टेक अ माइनस साइन तो ब्रैकेट लगा दें तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा. चेक करिए ब्रैकेट खुलेगी तो 1 और माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा. नाउ इफ यू लुक क्लोजली साइन थीटा को अगर मैं ए मान लूँ और 1 माइनस कॉस थीटा को बी मान लूँ तो ये क्या फॉर्म आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड दिस इज वॉट वी वॉन्टेड. अब ये करने के बाद बस हमें क्या करना है, अब हमें रैशलाइज करना है. साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा. रैशलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, साइन थीटा प्लस 1 माइनस. ठीक है, तो नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. दिस इज a दिस इज b और न्यूमरेटर में a प्लस बी और a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो व्हाट डू वी गेट, एक्सपैंड कर दें टेकिंग 1 माइनस कॉस थीटा को, अभी हम एक टर्म ही मान के चलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ना एक्सपैंड द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा. ठीक है, नाउ राइट योर आइडेंटिटी इन दी कॉर्नर जिससे कि आपको दिखे. तो जरा चेक करिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वन इधर ले गए और कॉस स्क्वायर इधर ले गए तो व्हाट डू कैन वी राइट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और न्यूमरेटर को अब एक्सपैंड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस थीटा. अब यू लुक क्लोजली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो गया, तो आइडेंटिटी हो गई 1 1 एंड दिस 1 बिकम्स 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा और ये कंबाइन हो गए माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट वी डू इज कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन है 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. इफ यू लुक क्लोजली तो फैक्टराइज हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा इज वन ऑफ योर फैक्टर और 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ऑब्वियसली दिस हैज कैंसल्ड
टू ऊपर कॉमन है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो गॉन। तो फिर फाइनल आंसर क्या है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस एंड दिस इज वॉट वी हैड टू प्रूव, वन प्लस साइन थीटा अपॉन। तो इसी क्वेश्चन में अगर यही फॉर्म होता और यहाँ पे टैन और सेक की जगह कॉट और कोसेक हो जाता तो वी वुड हैव फॉलोड द सेम प्रोसेस, कॉट और कोसेक को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी फॉर्म बनाते, रैशनलाइज करते एंड वी वुड हैव टेकन द प्रोसेस फॉरवर्ड। एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं।